फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। हम बनाएंगे लौकी का पुलाव, जो खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक गिलास मैंने बासमती राइस लिया हुआ है, और यहाँ पर 500 ग्राम मैंने लौकी ली हुई है, जिसको मैं छील लूँगी और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो लौकी को अच्छे से वॉश कर लिया है, तो इसको मोटे वाले ग्रेट में मैं यहाँ पर ग्रेट करूँगी। तो लौकी को आप देख सकते हैं मैंने ग्रेट कर लिया है, और एक मैंने यहाँ पर ऑनियन लिया हुआ मीडियम साइज है, इसको बारीक चॉप कर लूँगी। और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हुई है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और एक मैंने टमाटर लिया हुआ मीडियम साइज़ है। सभी चीज़ों को हम कट कर लेंगे, तो सभी को हमें बारीक कट करना है। तो सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कुकर। मैंने साफ़ पानी से 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करने के बाद डिप करके रखा हुआ है, तो इतना टाइम इनके लिए बहुत है राइस के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर तड़का रेडी करूँगी। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, उसमें जीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, 4 से 5 काली मिर्च ऐड की है, 3 से 4 मैंने लौंग ऐड की है, 1 पिंच हींग ऐड किया है, और 1 बड़ी इलायची ऐड की है, और इसमें कटा हुआ मैंने ऑनियन ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को होने के बाद मैंने ऑनियन को ऐड किया है, और ऑनियन को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो इस तरीके का ऑनियन हमें इसके लिए रखना है। यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड की है, जिससे कसूरी मेथी से इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में हमारे, और लौकी का पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो तड़के को हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस इसे कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनना है। और यहाँ पर मैंने राइस से सारा एक्स्ट्रा पानी अलग निकाल दिया है, और इसको करछी की हेल्प से धीरे धीरे करते हुए मैं पुलाव में ऐड करूँगी। तो इसको कुकर में ऐड कर देंगे। तभी राइस को मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे, आज इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 गिलास ही राइस लिए हैं, और यहाँ पर लौकी अगर चाहे जितनी भी आप इसमें ऐड करें, बट हमें उसका एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि लौकी में पहले से ही पानी होता है, तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा पानी पुलाव में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमारे राइस है, सिर्फ हमें उतना ही क्वांटिटी पानी की इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास बासमती राइस लिया हुआ था, और 1 ही गिलास मैंने इसमें यहाँ पर पानी ऐड किया है, लौकी को भी ऐड कर दिया है। लौकी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तो यहाँ पर हरी मिर्च को ऐड कर देंगे, टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे, तो आप अदरक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें ऐड किया है, और इसको हम धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। राइस पे अच्छे से कलर कोट हो जाना चाहिए हल्दी का, तो बस इसे धीरे धीरे से हमें ऐड करना है। और आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका, तो पानी की क्वांटिटी आप इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई है। राइस से हमारे बिल्कुल हल्का सा ही ऊपर है पानी, बहुत ही कम, तो इतना ज़्यादा हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना। इस तरीके से जो अगर हम पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा पुलाव है जो बिल्कुल बेकार बनेगा। तो पानी की सही हमें मेज़रमेंट इसमें ऐड करना है, और आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने इसमें 1 विसिल लगाई है, और 1 विसिल आने वाली थी तभी मैंने इसको बंद कर दिया था, तो विसिल हमारी कुकर ठंडा हो चुका है। और पुलाव देख सकते हैं कितना ज़्यादा टमटिंग बना है, एकदम खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खड़े मसालों की, और ये बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। लौकी का पुलाव है, इसलिए ये नहीं कि चिपका हुआ होगा, आप देख सकते हैं 1-1 राइस अलग अलग पड़ा हुआ है। तो इसे डिश आउट कर लेंगे, तो इसे गर्म गर्म ही हम सर्व करेंगे पुलाव को। तो गर्म गर्म पुलाव को हमने सर्व कर दिया है, और इस पर थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कम ही देसी घी इसमें ऐड किया है, और मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पर ये घर में ही मैंने दही को जमाया हुआ था, और आप देख सकते हैं पुलाव कितना ज़्यादा टमटिंग है, और बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बना है, और खुशबू तो बहुत ही गज़ब की आ रही है इसमें। तो ये पुलाव बनकर बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुका है हमारा। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।